क्योंकि राशन कार्ड जो है जमा कराइए, नहीं तो जो है कहते हैं उन पे जो कार्रवाई हो, क्या है? नहीं नहीं, अफवाह है सब, ये बोगस राशन कार्ड की, कोई भी राशन कार्ड की मिले सूचना या लाइसेंस की सूचना मिले या आयुष्मान कार्ड की मिले या किसान सम्मान निधि की मिले, तो वो जो बोगस हैं, अपात्र हैं, उनकी तो जांच होनी चाहिए और होगी भी। मैं देख रहा हूँ हमारे जनपद में लोगों ने किसान सम्मान निधि भी गलत तरीके से कार्ड बनवा रखे हैं, बड़ी संख्या में बनवा रखे हैं। मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि PDS सिस्टम रहेगा। प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से 5 किलो गेहूँ और चावल निःशुल्क वो दे रहे थे, जिसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जिस देश में 80 करोड़ लोग खाद्य वितरण प्रणाली से भोजन प्राप्त करते हैं, वो राशन कार्ड नहीं। लेकिन बोगस योगी आदित्यनाथ के समय में कोई चीज़ गलत नहीं चलेगी, रूल ऑफ लॉ रहेगा। तो कोई भी कुपात्र अगर है तो वो हटाया जाएगा, और पात्र व्यक्ति कोई रह ना पाए, कुपात्र कोई ना पावे, चाहे वो शौचालय हो या आवास हो या किसान सम्मान निधि हो या आयुष्मान कार्ड हो अथवा राशन कार्ड हो। ज्ञान बापी को लेकर क्या कहेंगे? आज जो सर्वे की रिपोर्ट जमा हुई है, इसको लेके जो है एक वीडियो भी वायरल हुआ था, मूर्ति जो है पूजा करते हुए। ज्ञान बापी मामले में पूरे देश को यही कहना चाहूँगा कि काशी है, भगवान शिव द्वारा बसाई गई एक नगरी है, जैसे द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन द अर्थ। और इस्लाम जो है ये 7वीं शताब्दी में अस्तित्व में आया है। मुझे याद आ रहा है कि 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया और हम गुलाम हुए, गुलाम के गुलाम ने हमें गुलाम किया, उसके बाद उसके गुलाम ने हमको गुलाम रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उसके गुलाम इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश की लड़की रजिया ने, उसके बाद रजिया के 2-3 नालायक भाइयों ने, उसके बाद बलवन ने, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम आया ही है, और हमारे यहाँ द्वापर का कार्यकाल ही 5400 साल है, तो सतयुग भी रहा है, त्रेता भी रहा है, तो उन लोगों को सोचना चाहिए। एक किराएदार किसी भी वाद में मकान मालिक को, माननीय अदालत को गुमराह कर सकता है, लेकिन अंततः फैसला हमेशा मकान मालिक के पक्ष में ही आता है। और ये देश संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, किसी के विरोध करने से और भीड़ तंत्र से देश नहीं चलेगा। आज हम कहाँ की रिहाई हुई है, अखिलेश यादव से नाराजगी साफ तौर से बताई जा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो है विधान सत्र चालू हो चुका है, उन पर मुकदमे पंजीकृत हुए, चार्जशीट हुई, पुलिस कोर्ट में हियरिंग हुई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।